अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। वी स्टार्टेड फंक्शनलिज्म, वी डिस्कस्ड व्हाट इज फंक्शनलिज्म, हिस्ट्री ऑफ विलियम जेम्स। एज यू नो, विलियम जेम्स वॉज अ फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म एंड ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन psychology. Functionalism was developed as a response of structuralism. Structuralism we discussed in the class. According to structuralism, the goal of psychology is to study the elements of mind and consciousness, to study mind and consciousness and according to functionalism, the goal of psychology to study the purpose of mind and consciousness. According to structuralism, the goal of psychology to study the elements of or structure of mind and consciousness. And functionalism, according to functionalism, the goal of psychology is the to study purpose of mind and consciousness. Okay, we discussed book of William James, that was the principle of psychology. Then we discuss stream of consciousness. There were four basic components of consciousness. Number one, consciousness is personal. Number two, consciousness is continuous. Number three, consciousness is constantly changing. Number four, consciousness is selective. And number five, consciousness is functional and purposive. There was five basic components that we discussed in the last lecture. Now we start next concept of William James, that is habits and instincts. First of all, we discuss what are instincts. Instincts basically hote kya hain? Instincts kya hote hain? An innate or fixed pattern or fixed actions of behavior in response to certain stimuli. Instinctive behaviors are innate abilities. They occur and are present from birth onward. Instincts kya hote hain? Instinct is a natural tendency that a person or animals has to behave or react in a particular way. Instinct jo hote hain, ye naturally hamare andar paaye jaate hain. बाय बर्थ हमारे अंदर होते हैं, ये कोई लर्न्ड बिहेवियर्स नहीं होते, ये पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, नेचुरली होते हैं, जो हम बिहेव करते हैं अपने किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई की तरफ, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, या हमारा रिएक्शन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और ह्यूमंस में भी. अब एनिमल्स के एग्जांपल्स ले लें तो जैसे ये नेस्ट अपने बनाते हैं, बिल्डिंग ऑफ नेस्ट, एनिमल फाइटिंग, या अपना कोई एस्केप, इंटरनल एस्केप फंक्शंस इनके जो होते हैं, या ह्यूमन के एस्केप फंक्शंस होते हैं, ये सारे क्या हैं? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्नेक से डरते हैं, ये हमारा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है.
हम किसी गर्म चीज़ को अगर हाथ लगाएं तो फ़ौरन हाथ पीछे करते हैं, ये भी हमारा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, हमने अपने आप को बचाया उससे। तो ये कुछ चीज़ें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स नेचुरली हमारे अंदर पाई जाती हैं, बाय बर्थ ही ये हमारे अंदर होती हैं, ये हम कोई हमें कुछ सिखाता नहीं है, ये लर्न बिहेवियर्स नहीं होते। जैसे हमें हमारी मतलब फैमिली से एक एफिलिएशन, एक अपनी बरादरी से जो एक लॉयल्टी होती है, या हमारे अपने मज़हब से एक लॉयल्टी है, ये हमारे अंदर पैदाइशी तौर पे पैदा हमारे अंदर होती है। रोना, एक बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते ही रोता है, ये उसको कुछ सिखाया नहीं गया, एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है जो नेचुरली हमारे अंदर पाया जाता है। रोना, हंसना, खुश होना, ये सब क्या है, हमारे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। तो इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं कि एक नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं जो हमें किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, स्पेसिफिक सिचुएशन में बिहेव करने में, रिस्पॉन्स करने में हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद है जी हैबिट्स। हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट्स आर अ सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस दैट इज़ हार्ड टू गिव अप। हैबिट्स क्या होती हैं कि ये वो टेंडेंसीज होती हैं जिनको हम सीखते हैं और हमारे लिए टाइम के साथ साथ वो इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि हम उनको गिव अप नहीं कर सकते। ठीक है, हैबिट्स क्या होती हैं कि हमारी आदतें, कुछ आदतें ऐसी डिवेलप हो जाती हैं जिनको छोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्मोकिंग की एग्ज़ाम्पल आप ले लें, किसी की हैबिट डिवेलप हुई हुई है स्मोकिंग की, ऐसा नहीं कि वो उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन इट्स हार्ड टू गिव अप। उसके लिए मुश्किल होगा छोड़ना, डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो बैड हैबिट को आप डेफिनेटली, आप एक प्रैक्टिस के थ्रू आप उसको छोड़ सकते हैं, बट हैबिट्स को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये हमारे लर्न बिहेवियर्स होते हैं, ये हमारे एज के साथ साथ हम डिफरेंट हैबिट्स अपने इन्वायरमेंट से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने पीयर ग्रुप से हम सीखते जाते हैं। कुछ हैबिट्स हमारी थ्रू आउट आर लाइफ हमारे साथ चलती हैं, कुछ को हम चेंज भी कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स देयर आर फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू डिवेलप गुड हैबिट्स एंड एलिमिनेट बैड वंस। जेम्स ने कहा कि पांच ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप फॉलो अगर करें तो आप अपनी गुड हैबिट्स को डिवेलप कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर वन इज प्लेस योर सेल्फ इन सर्कमस्टांसिस दैट इनकरेज गुड हैबिट्स एंड डिस्करेज बैड हैबिट्स। इंगेज योर सेल्फ इन गुड डेड्स, गुड एनवायरमेंट, योर एनवायरमेंट एंड कंपनी शुड बी वेरी गुड, शुड बी गुड बिकॉज यू लर्न, बिकॉज इफ योर कंपनी इज गुड यू विल लर्न गुड थिंग्स, इफ योर कंपनी, योर फ्रेंड्स आर बैड डेफिनेटली यू लर्न बैड थिंग्स फ्रॉम देम। सो योर कंपनी, योर पीपल, योर फ्रेंड्स शुड बी गुड, शुड बी पॉजिटिव। जो भी आप अपनी कंपनी में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिनके साथ आप जा रहे आ रहे हैं कहीं पे, तो आपकी जो कंपनी होती है वो मैटर्स अलॉट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कंपनी होती है जो आपको अच्छा भी बना देती है और बुरा भी। अगर आप अच्छी कंपनी में उठे बैठेंगे तो आप अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी आपके अंदर। अगर आप अच्छी कंपनी नहीं है आपके फ्रेंड्स की, तो आप में भी डेफिनेटली वो जो बैड हैबिट्स फ्रेंड्स की होंगी वो आपके अंदर भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये स्मोकिंग की एग्जांपल ले लें, मोस्टली बॉयज़ अगर एक फ्रेंड इनका स्मोकिंग करता है एक ग्रुप में, तो वो
मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सबको स्मोकिंग पे लगा देगा। इसीलिए कहते हैं कि कंपनी बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू एक्ट कंट्रेरी टू अ न्यू हैबिट दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू डिवेलप। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न और अडॉप्ट एनी गुड थिंग और एनी न्यू थिंग देन डोंट गो अगेंस्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मदर आपको कोई एक अच्छी चीज़ सिखा रही हैं, वो ये सिखा रही हैं कि आपने कैसे बड़ों से बात करनी है, ठीक है, आपने बड़ों के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पेक्टेबल वे में आपने बात करनी है, आप करके, और आपने कैसे रिस्पेक्ट देनी है बड़ों को, तो आपने वो प्रैक्टिस सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने नहीं करनी, वो आपने अपने फ्रेंड्स में बैठे हैं तब भी आपने ऐसी बात करनी है आप करके, ताकि वो हैबिट आप में डेवलप हो। अगर आप पेरेंट्स के सामने किसी और तरह बिहेव कर रहे हैं, किसी और कंपनी में जाके आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उस हैबिट के अगेंस्ट जा रहे हो, उन रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो हैबिट डेवलप नहीं होगी उतने अच्छे तरीके से। सो डोंट गो अगेंस्ट इट व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न न्यू हैबिट और गुड हैबिट। थर्ड पॉइंट इज डू नॉट अटेम्प्ट टू स्लोली डिवेलप अ गुड हैबिट और इंगेज इन पॉजिटिव हैबिट्स कंप्लीटली टू बिगिन विद एंड एब्सटेन कंप्लीटली फ्रॉम बैड वंस। नंबर थ्री पॉइंट इज बी रेगुलर इन योर प्रैक्टिस वेन एवर यू आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स वेन एवर यू आर गोइंग टू लर्न गुड हैबिट्स और यू आर गोइंग टू एलिमिनेट बैड हैबिट, यू शुड बी रेगुलर। जब आप अपनी कोई भी हैबिट सीख रहे हैं, अच्छी हैबिट, तो आप बार बार उसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे, परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आप उसको जल्दी लर्न कर सकते हैं और जो गलत हैबिट है उसको आप गिव अप कर सकते हैं। इसलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है रेगुलरिटी किसी भी चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फाइव पॉइंट नंबर फोर नॉट ओनली लर्न गुड हैबिट्स और अवॉइड बैड वंस, यू शुड एक्चुअल डूइंग इट। मेक गुड हैबिट्स टू बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। यानी अगर आप कोई चीज़ सीख भी रहे हैं, कोई लर्न कर रहे हैं कोई नई चीज़, तो उसको अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाएं, ना कि सिर्फ सीखा और छोड़ दिया, उसको प्रैक्टिस नहीं की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने ऊपर कि मैंने अगर ये चीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है या कहीं से अच्छी आदत आपने सीखी है, तो उसको उसको कंटिन्यूसली आप उसको प्रैक्टिस करें, उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं, ताकि आप वो एक परमानेंट पार्ट बन जाए आपकी पर्सनैलिटी का। नंबर फाइव फोर्स योर सेल्फ टू एक्ट इन वेज दैट आर बेनिफिशियल टू यू एंड टू अदर्स। अपने आप को इतना इस काबिल करें कि आप जो भी सीखें अच्छा सीखें, और जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। स्टार्ट में इट विल बी डिफ़िकल्ट इन द स्टार्ट। जब भी आप कोई अच्छा काम करने लगते हैं, करना कोई अच्छा काम करना शुरू करते हैं, तो स्टार्ट में बहुत सी डिफ़िकल्टीज भी आपको फेस करना पड़ती हैं। आपको मुश्किल लगता है अच्छे काम अडॉप्ट करने में या अपनी हैबिट बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक देख लें ये कि अगर नमाज अगर कहा जाए कि नमाज रेगुलर पढ़ें,
तो स्टार्ट में डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को रेगुलर नमाज़ पढ़ना। कोई बच्चे रोएंगे, मतलब बच्चे क्या, बड़े भी रोते हैं नमाज़ पढ़ते हुए। तो ये हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, स्टार्ट में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हैबिट डेवलप हो जाती है तो उसके बाद फिर वो इतना मुश्किल नहीं लगता। ठीक है, इट विल बी डिफ़िकल्ट इन द स्टार्ट एंड रिक्वायर्स मच एफर्ट। ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, अपनी एफर्ट पुट करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है कोई भी अच्छी हैबिट डेवलप करने में। लेकिन जब वो एक दफ़ा डेवलप हो जाती है तो उसके बाद फिर आपके लिए ही फ़ायदेमंद होती है और होनी चाहिए, और दूसरों के लिए भी आप कोशिश करें कि वो फ़ायदेमंद हो। ठीक है, दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये थे जी इंस्टिंक्ट एंड हैबिट्स। हमने देखा कि इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं, उसके बाद हैबिट हमने डिस्कस किया। हैबिट डेवलप करने के लिए, अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स बताए विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी इसका सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ इज अ पर्सन्स और इंडिविजुअल्स अवेयरनेस अब और परसेप्शन अबाउट हिज और हर पर्सनैलिटी, अबाउट हिज और हर अबिलिटीज एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ क्या है? एक अवेयरनेस है किसी भी पर्सन की अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी अबिलिटीज़ के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में। इट इज़ अ मेंटल पिक्चर ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन। इट इज़ अ मेंटल पिक्चर ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन। यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, वो क्या है आपकी सेल्फ। जेम्स सेल्फ एक्चुअली होता क्या है कि सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ क्या है? सेल्फ एक एक इंडिविजुअल अवेयरनेस है, एक पर्सन्स अवेयरनेस है जो के पर्सन की बिहेवियर के बारे में, पर्सन के क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, कि सेल्फ है क्या। जैसे अब आप हैं, कोई भी हो सकता है, मैं हूँ, मेरी सेल्फ डिफरेंट है दूसरे पर्सन से, मेरे अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। ठीक है, मेरी यूनिकनेस डिफरेंट है, मतलब सेल्फ वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। जेम्स चूज द वर्ड मी एंड आई फॉर सेल्फ। जेम्स थ्योरी ऑफ द सेल्फ डिवाइडेड अ पर्सन्स मेंटल पिक्चर ऑफ सेल्फ इंटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज मी एंड नंबर टू इज आई। जेम्स ने सेल्फ को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक थी मी, दूसरी थी आई। उसने एक को मी का नाम दिया,
जिसको एम्पेरिकल सेल्फ भी कहा जाता है, उसने मी को एम्पेरिकल सेल्फ का नाम दिया और आई को उसने प्योर ईगो का नाम दिया। मी को उसने एम्पेरिकल सेल्फ का नाम दिया और आई को उसने प्योर ईगो का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, मी रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपीरियंस। उसने कहा कि मी जो है, एम्पेरिकल सेल्फ जो है, वो उसका ताल्लुक जो है पर्सनल एक्सपीरियंस से है। और आई जो है, और फॉर एग्जांपल, इसकी पहले एग्जांपल दे दूं मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की, कि देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस तो कुछ भी होता है, हो सकता है मैं कुछ खा रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं कहीं जा रही हूँ कुछ देख रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो मी है वो बेस करता है पर्सनल एक्सपीरियंस पे। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, आई इज़ द पार्ट ऑफ प्योर ईगो, आई पार्ट ऑफ सेल्फ वॉज द थिंकिंग सेल्फ। उसने कहा कि आई जो है वो थिंकिंग सेल्फ है, मी जो था वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करता था, आई जो है वो थिंकिंग सेल्फ पे बेस करता है। विच कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी यू कॉन्ट डिवाइड आई सेल्फ एनी मोर। एम्पिरिकल सेल्फ को इसने डिवाइड किया था थ्री सेल्फ्स में, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आई को उसने कहा कि आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ही लिंक्ड दिस पार्ट ऑफ द सेल्फ टू द सोल ऑफ अ पर्सन और वट इज नाउ थॉट ऑफ अ माइंड, थॉट ऑफ एज माइंड, यानी जो कुछ आपके थॉट पैटर्न्स हैं आपके माइंड में चल रहा है, आप सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, कोई आपकी जो रीजनिंग है, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, ये सब आप रिलेटेड हैं आपके आई से, ठीक है। और इसको उसने नाम दिया प्योर ईगो का। प्योर ईगो क्या है? अकॉर्डिंग टू जेम्स, प्योर ईगो इज पर्सनल आइडेंटिटी। फॉर जेम्स, द प्योर ईगो इज वट प्रोवाइड्स द थ्रेड ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन आर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेल्व्स। यानी प्योर ईगो क्या है कि आपकी आइडेंटिटी पे बेस करती है, आप पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट में आप क्या हैं, फ्यूचर में आपकी सेल्फ क्या हो सकती है, ये है आपकी प्योर ईगो। जेम्स बिलीव दैट प्योर ईगो वॉज सिमिलर टू वट वी थिंक। प्योर ईगो आई है ना, और आई में थिंकिंग पैटर्न्स हैं, आपके थिंकिंग सेल्फ है। प्योर ईगो कुड नॉट बी एग्जामिन्ड बाय साइंस, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, कि आप थिंकिंग पैटर्न्स को एग्जामिन नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, किसी की माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, किस चीज़ के बारे में उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है, यू कॉन्ट एग्जामिन। इसको उसने नाम दिया आई का और प्योर ईगो का। इसने, विलियम जेम्स ने सेल्फ, पहले हमने डिस्कस किया कि सेल्फ होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि विलियम जेम्स ने सेल्फ को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, मी एंड आई। आई को उसने नाम दिया प्योर ईगो का, जो कि बेस करता था हमारी करता है हमारी थिंकिंग सेल्फ पे, थिंकिंग पैटर्न्स पे, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, दूसरा दूसरी कैटेगरी थी मी। मी को उसने नाम दिया एम्पिरिकल सेल्फ का। एंड अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल सेल्फ। नंबर वन इज मटीरियल सेल्फ, नंबर टू इज सोशल सेल्फ, नंबर थ्री इज स्पिरिचुअल सेल्फ। नंबर वन इज मटीरियल सेल्फ। इसने मी एम्पिरिकल सेल्फ को थ्री कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड किया। नंबर वन मटीरियल सेल्फ। मटीरियल सेल्फ क्या है जी?
मटीरियल सेल्फ कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग मटीरियल दैट अ पर्सन कुड कॉल हिज और हर ओन, सच एज हिज और हर ओन बॉडी, फैमिली, क्लोथ्स, प्रॉपर्टी, मनी एक्सेट्रा. यानी मटीरियल सेल्फ क्या है अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, कि आपकी फैमिली, आपकी मनी, आपकी बॉडी, आपके क्लोथ्स, ये सब क्या है, मटीरियल सेल्फ हैं. अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स कि हम क्लोथ्स, अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों, टू एक्सप्रेस आर स्टेटस, टू शो आर स्टेटस, टू मेंटेन आर सेल्फ इमेज. फैमिली की तरफ आ जाएं अगर हम, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, खुदा ना खास्ता, डेथ हो जाती है किसी की, तो आपकी जो सेल्फ है डेफिनेटली वो चेंज होगी, वो अफेक्ट होगी. फैमिली में कोई मिसहैप हो जाता है, आपकी जो सेल्फ है वो डिस्टर्ब होगी, मे बी चेंज हो जाए, अफेक्ट होगी. ठीक है, इसी तरह अगर मनी है आपके पास, पहले मनी थी अब नहीं है, तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगी आपकी सेल्फ को. तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में काउंट की जेम्स ने, मटेरियल सेल्फ में. नेक्स्ट है जी सोशल सेल्फ. नंबर वन मटेरियल सेल्फ, नंबर टू सोशल सेल्फ. द सेल्फ एज रिफ्लेक्टेड थ्रू योर इंटरेक्शंस विद अदर्स. सोशल सेल्फ क्या है कि आप कैसे इंटर, अपने एनवायरनमेंट में कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. एक्चुअली अ वैरायटी ऑफ सेल्फ्स दैट रिस्पोंड टू चेंजेस इन सिचुएशंस एंड रोल्स. एक एनवायरनमेंट में आप मूव कर रहे होते हो, किसी भी एनवायरनमेंट में आप मूव कर रहे हो, तो वहाँ पे एक वैरायटी ऑफ सेल्फ्स है, वैरायटी ऑफ पीपल है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. ठीक है, जो कि आपकी, आपके बिहेवियर को, आपकी सोशल सेल्फ को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी इन सोशल सेल्फ को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क एनवायरनमेंट द डिफरेंस इन बिहेवियर व्हेन that individual is interacting with their boss versus their behavior when interacting with co-worker. ठीक है ना, जब आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, इज डिफरेंट विद वेन एवर यू आर टॉकिंग विद योर बॉस. एंड वेन you are talking with your co-worker or your friend, your style will be different. इसी तरह अगर आप क्लास में बैठे हैं, आपका, आप टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो होगा, आपका बिहेवियर जो होगा, वो डिफरेंट होगा. और जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होंगे, वहाँ आपका जो बोलने का स्टाइल होगा, जो बिहेव करने का स्टाइल होगा, वो डिफरेंट होगा. ये आपकी सोशल सेल्फ. घर में आप होते हैं, वहाँ आपकी सोशल सेल्फ डिफरेंट होती है, आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है, आप फ्रेंडली बिहेव कर रहे होते हो. लेकिन किसी फॉर्मल सेटिंग में आप जाते हो, क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कहीं जॉब करने, तो वहाँ आपका जो सोशल सेल्फ होती है वो डिफरेंट होती है. बिकॉज जो वहाँ पर और सोशल सेल्फ हैं, और पर्सनैलिटीज़ हैं, और जो पीपल हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी सोशल सेल्फ को. नाउ क्लियर, दिस इज सोशल सेल्फ. थर्ड वन इज लास्ट स्पिरिचुअल सेल्फ. स्पिरिचुअल सेल्फ कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस.
इट इज अ पर्सनल सेल्फ इज ऑल्सो नोन एज कोर सेल्फ और परमानेंट सेल्फ. द स्पिरिचुअल सेल्फ इज आर इनर सेल्फ और आर साइकोलॉजिकल सेल्फ. इट इज कंप्राइज ऑफ आर सेल्फ परसीव्ड abilities, attitudes, emotions, interests, values, motives, opinions, traits and wishes. All are aspects of spiritual self. क्या aspects हैं spiritual self के? आपके emotions, आपके values, आपके motives, opinions, traits, attitudes, ये सब क्या हैं आपके aspects of spiritual self. Spiritual self is looking inward to deeper spiritual, moral or intellectual questions. For James, achieving a high level of understanding of who we are or understanding our spiritual self is more rewarding than satisfying the needs of social and material selves. William James ke according ke spiritual self is most important than satisfying needs of social and material selves. अब spiritual self है क्या कि spiritual self अगर according to James कि हम अपनी values को अपने motives को अपने moral values को spiritual अपने spirituality को अच्छे तरीके से understand कर लेते हैं तो वो हमारी स्पिरिचुअल सेल्फ जो हमारी सेल्फ है एक अच्छे तरीके से डेवलप होती है हमारे गुड इम्पैक्ट डालती है और ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करें अपने स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करें अपने मोटिव्स को अपने इमोशंस को मतलब पॉजिटिव वे में लेके चलें. ये हमारी क्या है स्पिरिचुअल सेल्फ. ये थे जी थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल सेल्फ. नंबर वन मटेरियल सेल्फ हमने डिस्कस किया, सोशल सेल्फ डिस्कस किया और स्पिरिचुअल सेल्फ. यहाँ तक सुने देखें जो कुछ हमने आज डिस्कस किया है उसको फिर कल हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे. ओके कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरी हो एंड वी विल डिस्कस टुमारो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. Okay, take care. Allah Hafiz.